क्या सीख रहे हैं, ये क्रेडिट रेक्टिफाई ऑफ द फॉलोइंग एरर, ये सारा कोई हमें कुछ ना कुछ एरर दे रखा है उसको हम रेक्टिफाई करना है। क्या है क्वेश्चन, ऐसे मेन क्वेश्चन क्या है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रघु रुपीज 20,000, हमने रघु से 20,000 का सामान खरीदा, ठीक है, क्रेडिट में। और उसके साथ क्या क्या दुर्घटना हुआ ये बताता हूँ। पहला क्या हुआ है, वर नोट रिकॉर्डेड, कोई आया उसको रिकॉर्ड नहीं किया तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे ये सीखेंगे। दूसरा चीज, इसको कौन सा एरर हुआ, अगर एरर को आइडेंटिफाई करोगे तो क्या करते, जो हम भूल जाते उस एरर का नाम क्या था, एरर ऑफ ओमिशन, ये ओमिशन वाला हो गया। वर रिकॉर्डेड एज रुपीज 10,000, 20,000 का सामान को उसने कितना में रिकॉर्ड कर लिया, 10,000, तो ये कौन सा एरर हुआ, एरर ऑफ अमाउंट एरर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन, क्या था, एरर ऑफ कमीशन वाला एरर हुआ। वर रिकॉर्डेड एज रुपीज 25,000, ज्यादा से रिकॉर्ड कर लिया, तो ये कौन सा एरर ऑफ कमीशन हो गया। वर नोट पोस्टेड हिज अकाउंट, तो पार्टली ओमिशन हो गया, नहीं जनरल तो कर लिया, पोस्टेड में गलती किया तो पार्टली ओमिशन हो गया। फिर क्या, वर पोस्टेड हिज अकाउंट रुपीज 2,000, ये भी कमीशन वाला एरर हो गया, नहीं उसके अकाउंट में हम कम से रिकॉर्ड किया हूँ। फिर क्या है अगला, वर पोस्टेड टू राघव अकाउंट, किसी और के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दे, ये गलती है। ये क्या है, वर पोस्टेड टू द डेबिटेड ऑफ रघु अकाउंट, हमने इससे खरीदा हूँ तो रघु क्रेडिट करना चाहिए, उसके अकाउंट को हमने डेबिट कर रखा हूँ, तो ये वाला गलती है। फिर क्या, वर पोस्टेड टू डेबिटेड राघव अकाउंट, ये राघव कोई अनदर है, ये भी गलती है, नाम की गलती है। वर पोस्टेड थ्रू सेल्स बुक, परचेज को हमने किसके बुक में डाल दिया हूँ, सेल्स बुक, तो बुक एरर है। ऐसे अगर उस तरह से हम सिखाएंगे तो क्या होगा, ये तो ओमिशन हो गया, ये क्या हो गया, अमाउंट एरर, नहीं ये भी अमाउंट एरर, नहीं ये क्या है अकाउंट, वो क्या हो गया, ये ओमिशन ही हो गया, ये कौन सा एरर हो गया, ओमिशन, ये भी अमाउंट एरर ही हो गया, ये कौन सा एरर हुआ, अकाउंट एरर, रघु के जगह राघव आ गया, अकाउंट एरर। ये कौन सा एरर हो गया, प्रिंसिपल डेबिट को हम क्रेडिट कर दिया, नहीं क्रेडिट को डेबिट कर दिया। अब क्या, वर पोस्टेड डेबिट नाम के अकाउंट एरर है, नहीं, और ये क्या है, सेल्स बुक, ये बुक से एरर है, क्या है, बुक से एरर। इन सब को हम रेक्टिफाई करना, मोटा मोटा इसी टाइप का हमें रेक्टिफिकेशन आता है, ठीक है। अब इसको रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे करेंगे वो सीखना। तब जैसे पहला है, पहला तो सिंपल सा हो जाएगा, पहला का सोल्यूशन क्या होगा, अगर पहला का सोल्यूशन लिखोगे तो बड़ा आसान से हो जाएगा, नहीं, क्या लिखोगे, नोट रिकॉर्डेड, तो हम इसको सिंपल होता है, रिकॉर्ड कहीं कर लेंगे, नहीं तो जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे, जनरल का फॉर्मेट तो आपको आता ही है, तो फिर भी मैं बना देता हूँ, देखो ये हो गया फॉर्मेट, ये हो गया हमारा फॉर्मेट जनरल का, ठीक है, जनरल के फॉर्मेट में ये डाल दोगे, क्या, वर नोट रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड कर लेंगे, क्या करेंगे रिकॉर्ड, क्रेडिट परचेज का एंट्री तो आता है, जो चीज परचेज किया है डेबिट, जिससे खरीदा उसको क्रेडिट, तो क्या कर दोगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू भैया का नाम, भैया का नाम है रघु, रघु अकाउंट, कितने से, जितने 20,000 से, 20,000 से, बीइंग एंट्री रिकॉर्डेड, बीइंग एंट्री रिकॉर्डेड हो गया, अब एंट्री नहीं रिकॉर्ड था, अब हमने एंट्री को हम क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, पहले का ये एंट्री हो गया। अब दूसरा, दूसरा का रिकॉर्ड करना है, क्या रहे, वर रिकॉर्डेड एज रुपीज 10,000, वर रिकॉर्डेड एज रुपीज 10,000, तो हमने बचपन से सीख रखा है तीन एंट्री बनाना होता है इसको सही करने के लिए, इसका वर्किंग नोट इधर कर लेता हूँ, तीन एंट्री क्या करोगे, वर, ये दूसरा सेकंड वाला कर रहा हूँ, तीन एंट्री क्या करोगे, वर रिकॉर्ड, पहले सही एंट्री, नहीं राइट एंट्री, राइट एंट्री क्या होगा, फिर क्या निकालते हैं, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री। अब राइट एंट्री क्या है, राइट एंट्री तो वही होगा जो अभी कर रहा हूं, परचेज अकाउंट डेबिट टू भैया का नाम रघु, कितने से, 20,000 से, ये हमारा सही एंट्री है। भाई साहब ने गलती क्या किया है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट किया है टू, टू क्या कर दिया है, टू क्या कर दिया है, टू कर दिया है, ये रघु अकाउंट ही करा है, रघु अकाउंट 10,000 से, यही है ना गलती,
20,000 के जगह उसने 10,000 करा है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों में कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं इन दोनों में कंपेयर करते हैं। अब देखो 10,000 से होना चाहिए, ये 10,000 कम है तो कितना इसमें 10,000 प्लस करना पड़ेगा तो सही हो जाएगा। नहीं, ये भी 20,000 है, यहाँ कितना है 10,000, 10,000 और प्लस करना पड़ेगा तो हमारा सही हो जाएगा। तो यानी जो चीज डेबिट है कम से डेबिट हुआ तो डेबिट कर देंगे, क्रेडिट भी कम से क्रेडिट है तो क्रेडिट करके ठीक कर लेंगे। तो इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बन जाएगा, ये दोनों परचेज में 10,000 जोड़ देंगे और अघू में भी 10,000 जोड़ेंगे। तो यार सेकंड, यहाँ सेकंड का रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बन जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु कितने से 10,000 से, खत्म। नरेशन में लिख दो बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास, रेक्टिफिकेशन एंट्री हमारा बन गया। आया सबको समझ में, बोला भी करो। हाँ ठीक है, दूसरा दूसरा तो हो गया, तीसरा तीसरा का क्या करा है, वर करा कि वर रिकॉर्डेड एज रुपीज 25,000 एक्स्ट्रा हो गया। नहीं तो क्या करोगे, इसने गलती क्या, सही एंट्री तो यही होना है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु, सही एंट्री तो ये होगा, कितना से 20,000 से, 20,000 से। ये गलती एंट्री क्या कर दिया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु कर तो दिया है ने 25,000 से, 25,000 से इस बार ज्यादा कर दिया, तो इसमें से हमें घटाना पड़ेगा कितना, इसमें से पहले जोड़ा था इसमें घटाएंगे, 5,000 यहाँ से घटेगा और 5,000 यहाँ से घटेगा। तो ये इसको हम ये क्या होगा, डेबिट को घटाना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट को घटाना है तो डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री मार दो, अब क्या होगा, उल्टा एंट्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू परचेज, रघु अकाउंट डेबिट टू परचेज, रघु अकाउंट डेबिट टू परचेज कितने से 5,000 से, बस वही नरेशन लिख दोगे बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास। ऐसे पूरा नरेशन लिख सकते हो, रघु के एक्सेस डेबिट हो गया, ये सब भी लिख सकते हो, इतना ना करने के बाद बीइंग रघु रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर दो तभी भी काम बन जाता है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में पूरा प्रॉपर लिखना पड़ता है ये क्यों किया, इसका एंट्री नरेशन लिखना पड़ता है। रेक्टिफिकेशन कभी अगर नरेशन का किसी को समझ ही नहीं आता है तो जब हम एक्चुअल एंट्री करते हैं तो वहाँ पे ये सारा नरेशन लिखना पड़ता है। तीसरा हो गया, अब हम क्या करेंगे फोर्थ, फोर्थ का बताओ क्या एंट्री होगा, आप लोग उतार लिया सबने, उतार सकते हो आराम से, कोई बात नहीं। फोर्थ का क्या होगा, अब देखो फोर्थ में क्या करा है, वर पोस्टेड हिज अकाउंट रुपीज 2,000। अब इसमें क्या है, एक ही गलती है ना, पोस्टिंग में गलती कर दिया, यानी इसने थर्ड में क्या करोगे, सही एंट्री तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, और थर्ड में ये पर मिटा के करूं, अब देखो अब ये देखो राइट एंट्री तो यही होना है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु। अब ये गलती क्या कहे, वर पोस्टेड हिज अकाउंट 2,000, जब हम पोस्टेड किया ना तो इसका अकाउंट क्या है रघु, पोस्ट फोर्थ फोर्थ कर रहा हूँ, वर नोट पोस्टेड हिज अकाउंट, अच्छा उसके अकाउंट को हमने पोस्ट ही नहीं किया तो इसको पोस्ट क्या करोगे, फिर तो बड़ा आसान हो गया। अब ये यानी ये जनरल तो ठीक ही है, इसका लेजर में गलती है, लेजर में मतलब इसके अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ तो रघु क्रेडिट, यहाँ पे रघु क्रेडिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए रघु 20,000 से, ये टू करके नहीं किया है, टू करके पोस्ट नहीं हुआ है तो किसके थ्रू हो गया, तो अब जहाँ पे एक चीज क्या होगा, यहाँ पे तो इसको डेबिट तो कर ही नहीं सकते तो क्या डेबिट होगा, यानी यहाँ पे तो कुछ किया ही नहीं इसने, तो हम सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस के थ्रू करेंगे नहीं, यानी फोर्थ एंट्री में क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रघु कितना से हो गया 20,000 से, 20,000 से, बस खत्म। ये हो गया
फोर्थ का था, अब फिफ्थ का, अब फिफ्थ का करूं। सबने उतार लिया ना, उतार भी लिया करो। फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में क्या है, सही एंट्री तो यही होना है, परचेज टू रघु। अब ये क्या कर रहा है, वर पोस्टेड हिज अकाउंट 2000। अब यहाँ पे 18-20 हजार का जगह कितना लिख दिया, कितना से कम हुआ 18। जो सस्पेंस खुल जाएगा नहीं, तब इसका एंट्री क्या हो जाएगा, सस्पेंस टू रघु 18000 से। अब फिफ्थ में कितना होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रघु, रघु कितना से 18000 से, 18000 से खत्म। वही नरेशन लिख दोगे, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास। अब हो गया फिफ्थ, अब आ जाएंगे सिक्स्थ। सिक्स्थ में क्या है, सिक्स्थ में कह रहा है कि वर पोस्टेज टू राघव अकाउंट। अब यहाँ क्या होगा, परचेज टू, ये तो होना ही चाहिए। यहाँ पे क्या, किसके अकाउंट में पोस्टेज कर दिया, टू राघव लिख दिया, होना चाहिए रघु, होना चाहिए रघु, रघु के जगह क्या आ गया, राघव आ गया। तो अब कैसे करोगे, यानी ये इसको तो आप डेबिट करना पड़ेगा, सॉरी इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, इसको तो खत्म करना है। तो जो गलती होता है अपना गद्दी छोड़ देता है, जो गलती किया वो अपना उसको चेंज होगा। इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट, ये क्रेडिट सही होने के लिए क्रेडिट, इसको रखना पड़ेगा क्रेडिट ही। तो एंट्री क्या बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, राघव अकाउंट डेबिट ने, राघव अकाउंट डेबिट टू रघु, राघव अकाउंट डेबिट टू रघु कितने से होगा, 20000 से, 20000 से। सिक्स्थ कर रहा हूं, सिक्स्थ अब सेवंथ करता हूं। रघु टू राघव हुआ था, अब सेवंथ का क्या होगा, देखो अब सेवंथ में क्या करा है, वर पोस्टेड टू द डेबिटेड राघव अकाउंट। अब यहां पे क्या होना चाहिए, ये तो एंट्री सही है, ये तो सही होना चाहिए। अब इसको राघव को क्रेडिट करने के बदले इसको डेबिट कर दिया है, राघव रघु को क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है, कितने से, 20000 से। अब तो ये बड़ा खतरनाक हो गया नहीं, जिससे जिसको देना था पैसे, उससे कह रहा हूँ लेना है, तो ये उल्टा इफेक्ट पड़ गया नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सही करने के लिए इसको अब हमें क्रेडिट करना पड़ेगा नहीं, डबल अमाउंट से क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करोगे तो अगर माना जाए तो रघु, एक रघु तो क्रेडिट होगा सही होने के लिए नहीं, 20000, एक रघु क्या होगा, गलत सही होने के लिए, गलती डेबिट था तो उसको सही करने के लिए भी डेबिट का क्रेडिट करना पड़ेगा, टू रघु 20000 से नहीं। तो इन दोनों को काट के एक, तो दूसरा चीज क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट 40000 से। तो नेट एंट्री क्या बन गया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कौन सा एंट्री है, सातवां, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रघु 40000 से, डबल अमाउंट से। डेबिट को हम क्रेडिट कर देते थे तो डबल अमाउंट से कर देते, क्योंकि उसका उल्टा इफेक्ट पड़ जाता है। अब अगला है, अब कह रहा है वर पोस्टेड टू डेबिटेड दूसरे के अकाउंट में डाल दिया, क्या कर दिया है, वर पोस्टेड टू द डेबिटेड रघु, ये तो कर दिया आठवां, वर पोस्टेड टू डेबिटेड राघव अकाउंट, किस में डाल दिया है, राघव अकाउंट में। तो फिर यहाँ पे राघव डेबिट हो गया नहीं, राघव डेबिट हो गया, तो राघव को तो क्रेडिट करेंगे, तो राघव को डेबिट कर दिया तो ये खत्म करने के लिए क्रेडिट होगा, और एक क्रेडिट तो सही होने के लिए क्रेडिट होना है नहीं, तो उसको भी क्रेडिट कर, दो जने क्रेडिट हो जाएगा तो डेबिट क्या होगा, सस्पेंस नहीं, इसको हम एक क्रेडिट करके खत्म होगा, इसको हम क्रेडिट करेंगे, एक क्रेडिट सही वाला क्रेडिट ये रघु होना चाहिए, रघु सही वाला क्रेडिट होना चाहिए 20000 से, तो 40000 से हो जाएगा नहीं,
फिर से एंट्री होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रघु, रघु सही वाला, राघव गलत वाला, राघव 20,000 से, 20,000 ये, 20,000 ये, 40,000 से हो जाएगा, ठीक है, आ रहा है ना सबको समझ में? अब अगला देखो कौन सा एंट्री हो गया, ये 8 हो गया, अब लास्ट बचा है, बस आप लोग मास्टर हो जाओगे इसी में। 9 कह रहा है कि वर पोस्टेड थ्रू सेल्स बुक, अब ये तो क्या हुआ, सेल्स बुक में डाल दिया, यानी इसका हम करेंगे तो 9 का हम रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे तो क्या होगा, पहले सही एंट्री तो परचेज टू रघु होना चाहिए 20,000, गलत से इसने क्या कर दिया, रघु टू सेल, रघु टू सेल 20,000 से, यानी गलती भी दिमाग ला करता है, ठीक है। अब रेक्टिफाई और क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री, न परचेज कट रहा है न सेल कट रहा है, तो परचेज परचेज तो डेबिट सही वाला होना चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 से, सेल गलती से क्रेडिट हो गया तो अपना गद्दी छोड़ के सेल्स डेबिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट 20,000 से, टू क्या हो जाएगा, रघु क्रेडिट होना चाहिए, तो क्रेडिट वाला रघु कितने से, 20,000 से, और ये गलती वाला डेबिट को क्रेडिट करोगे तो रघु 20,000 से, ऐसे क्या करोगे नेट करके 40,000 भी लिख सकते हो, नहीं परचेज टू सेल्स टू रघु, इन दोनों को काट के एक टू लिख, रघु में 40 भी लिख सकते हो, रघु अकाउंट 40,000 से, बस ये था सारा टाइप की गलतियाँ, ठीक है, उतार भी सकते हो आप लोग आराम से। No, no, no.